अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड, फैसला सुरक्षित अदालत ने रखा है। एक से डेढ़ घंटे का वक्त अभी लग सकता है और इसे त्रासदी ही कहा जाएगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ परचम बुलंद करके जिसने राजनीति में अपनी जड़ें जमाई, आज उसी राजनीतिक दल के न सिर्फ मुखिया बल्कि पार्टी के नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार की हैसियत वाले सभी नेता इस वक्त सलाखों के पीछे में हैं। और सबसे ज्यादा संकट आम आदमी पार्टी के लिए इस वजह से क्योंकि संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्हें कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हीं के मामले में ईडी ने जो रिमांड मांगी है 10 दिन की, उस पर करीब एक से डेढ़ घंटे में अदालत अपना रुख साफ करेगी। अदालत के फैसले का हम सबको इंतजार है और यहां पर इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर हमने इस चर्चा को रोका था, सुधांशु जी के पास लेकर चलेंगे। सर, सवाल आपके लिए था क्योंकि यहां पर चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, उनके निशाने पर आपकी पार्टी है, बीजेपी है। और बड़ी क्लैरिटी के साथ दो सवाल जो जसमीन ने पूछे थे, मुझे लगता है अगर आप उनका जवाब देंगे तो काफी हद तक सवालों के जवाब आप दे पाएंगे। एक तो ये कि 2 साल के करीब हो गया है, कोई एविडेंस नहीं, कोई रिकवरी नहीं, ये कैसा केस है सर जो खिंचता ही जा रहा है, और ये टाइमिंग जो अब एन चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। दूसरा सवाल जो वो पूछ रहे हैं वो अरबिंदव फार्मा वाले जो रेड्डी साहब हैं जिन्हें पहले गिरफ्तार किया जाता है, फिर ये जो अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जानकारी सार्वजनिक हुई है, पता चलता है उन्होंने तो 30 करोड़ से ज्यादा रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर बीजेपी को दिया और बाद में फिर उनकी बेल हो जाती है उस मामले में, कोई लिंक है क्या सुधांशु जी? वैसे तो मेरे किसी भी सवाल का जवाब जैस्मीन शाह जी ने नहीं दिया, परंतु मैं फिर भी उसके बावजूद उनके सवालों का जवाब देता हूं। देखिए, अभी क्या दिखाया जा रहा है कि अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखा है, टाइमिंग का विषय कहां से है? 9-9 समन दिए गए थे, अगर पहले ही समन पे आ जाते तब तो इलेक्शन बहुत दूर था, और फिर हमने गिरफ्तार किया है क्या? बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, ईडी ने गिरफ्तार किया है, और ईडी ने गिरफ्तार किया है क्या? कोर्ट में ये गए, ईडी नहीं गई थी पहले ये गए कोर्ट में और कोर्ट ने आपका बेल प्ली रिजेक्ट कर दिया, यानी उसने यह बात मान लिया कि आपने जो सबूत रखे थे वो तथ्यात्मक नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने परमिशन दी कि आपके ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब साहब इनको समस्या नजर आ रही है, क्यों भाई? चंडीगढ़ में अगर कोर्ट का निर्णय आपके पक्ष में आ जाएगा तो लोकतंत्र की जीत है, और यहां निर्णय प्रतिकूल आ जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो गया है। गजब, राहुल गांधी जी भी बोलते हैं उनकी सदस्यता अगर कोर्ट बहाल कर देगा तो लोकतंत्र की जीत है, उनके खिलाफ निर्णय आ जाएगा तो लोकतंत्र मर गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और बातों बातों मुझे याद आ गया, जैस्मीन शाह जी, आपकी तो पार्टी ने कहा था ना कि आप पिलने वाले हर चंदा को दिखाएंगे, अपनी वेबसाइट के ऊपर लागू किया करेंगे। शुरू में कुछ दिन दिखाया भी था, फिर कुछ ऐसी कंपनियां आई थी जो एक ही रात में बनी थी और अगले दिन वो गायब हो गई थी, यानी एक दिन के लिए क्रिएट हुई कंपनियों ने कई करोड़ रुपए आपकी पार्टी को दे दिए थे, उसके बाद से गायब हो गया वो पर डे दिखाने वाला कि जो हमारे ऊपर दिखाया जाएगा, वो गायब ही हो गया था आपका। फिर ये भी याद आया, शराब घोटाले पे आप बात कहते हैं, अभी आपके मुंह से क्या बात निकली? वो ड्राई स्टेट हो रहा था दिल्ली, इसलिए आपने उसको विड्रॉ कर लिया, यानी दिल्ली को खुश नहीं तर रखना था। फिर मुझे याद आया, आपकी पार्टी ने तो अपने लिखित घोषणा पत्र में कहा था ना कि दारू का ठेका तब खुलेगा जब उस इलाके के रहने वाली 80% महिलाओं की सहमति ले ली जाएगी। कितनी जगहों की सहमति ली थी? इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आज भी अदालत के निर्णय के आधार के ऊपर वह गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि अदालत में उनकी बेल याचिका खारिज हो गई, और अभी भी जो बताया जा रहा है टीवी पे कि अदालत ने ही इनका वो सुरक्षित रखा। और इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहता हूं, ठीक है, क्यों भाई? 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बिके, 6,000 करोड़ भाजपा के पास आए हैं, मेरी बात सुनिए ना, 2/3 इलेक्टोरल बॉन्ड कहां गए भाई? ये 2/3 इलेक्टोरल बॉन्ड किसने लिए हैं? सवाल पूछे हैं, बड़ी गजब की बात है, हमसे तो पूछ रहे हैं कि फला कंपनी ने लिया। अरे तो साफ सवाल पूछे, उसका जवाब देने का हौसला रखिए। अरे आपसे कह रहे थे, दुम दुबा कर मत भागिए। अरे भैया, साफ साफ जवाब दिया। अरे भैया, आप अपने टर्न पर। अरे दो सवाल, अरे मान्यवर, तमीज से बात करिए, दुम उम की बात मत करिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप दोनों अपनी बात रखेंगे, मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई। जसमीन, आपने आराम से अपनी बात रखी, आपको बीच में उन्होंने नहीं दर्शक, मुझे पता है सवाल रखे ना उन्होंने, अब वो जवाब दे रहे हैं। आगे आपकी, आपने जवाब नहीं दिया कि विड्रॉ क्यों किया। दोबारा आपके पास आ जाऊंगी जसमीन, ठीक है? और आप जी, आपकी बात पूरी हो गई तो मैं आगे बढ़ जाऊं। जनाब क्या बताएंगे आप, तो वो थे। हां बस, नहीं नहीं, मैं एक पूरी बात कहता हूं, इन्होंने जो कहा तो मैं बता देता हूं, भागता कौन है? मुझे चाहिए जन लोकपाल टोपी, कहां गई? मैं बंगला नहीं लूंगा, ले लिया। सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ले लिया। और सुनिए बच्चों, कसम खाता हूं कांग्रेस समर्थन नहीं लूंगा। बक्सावर सबूत है, ठीक है?
शीला दीक्षित जी के खिलाफ हम बक्ता गायब हो गया जनाब। और आपको तो अन्ना ने बोल दिया, अब इसके बाद तो आपको मुंह दिखाने लायक नहीं होना चाहिए, जिनके दम पे आप आंदोलन में आए थे सत्ता में। ठीक है, अन्ना हजारे का तो बयान हमने भी दिखाया आज, वो कह रहे थे कि वो दुखी हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से, साथ ही उन्होंने बताया कि इस तरीके से बाकायदा दो बार चिट्ठी लिखकर इस शराब नीति का विरोध भी उन्होंने जताया था। खैर मैं रुक करूंगी, आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं, उमेश सहगल साहब हैं, पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली के रहे हैं उमेश सहगल साहब, हम सब पहचानते हैं उनको। सर बहुत शुक्रिया बिपिन उसके लिए समय निकालने के लिए, आपको खासतौर पर इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस्तीफा नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल, भले ही सलाखों के पीछे रहे वहां से सरकार चलाएंगे, आपको क्या लगता है ये संवैधानिक तौर पर ये मुमकिन है? उमेश सहगल जी आपका टेक। देखिए संवैधानिक तौर पर है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो कोई संविधान में चीज नहीं लिखी होती कि चीफ मिनिस्टर अगर अरेस्ट हो जाए तो वो काम कर सकता है कि नहीं, बट प्रैक्टिकली ये इंपॉसिबल है, ये मैं जरूर कह सकता हूं। प्रैक्टिकली इसलिए इंपॉसिबल है कि अगर आपके चीफ मिनिस्टर जेल में हैं तो उनके ऊपर जेल मैनुअल लागू होती है, ठीक है, जेल मैनुअल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप अपने सेल में रहेंगे, सेल से दो घंटे बाहर निकलेंगे, चार घंटे, जो भी प्रोविजंस हैं सबके बराबर हैं, चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर के कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं है वहाँ कि आप चीफ मिनिस्टर फंक्शन कर रहे हैं तो आपको अलग कैबिन दी जाएगी या अलग आपको टेलीफोन भी दी जाएगी और आपको मोबाइल भी दिए जाएंगे, स्टेनो भी दिया जाएगा, टाइपिस्ट भी दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रोविजन जेल मैनुअल में मैंने तो देखा नहीं है, काफ़ी साल मैंने भी जेल मैनुअल से डील किया, तो ऐसा प्रोविजन जरूर कोर्ट से ऑर्डर हो सकता है कि आप कुछ करिए, बट कोर्ट भी बियॉन्ड प्योर प्रोविजन नहीं जाएगी, ठीक है, कोर्ट ने अभी तक ये अलाउ किया कि ठीक है घर से खाना मंगवा लीजिए, घर से कपड़े मंगवा लीजिए, डॉक्टर से एग्जामिन करा लीजिए, ये सब समय क्योंकि हमारे पास कम है इस शो के लिए। जसमीन का मैं जल्दी से रुक करूंगी। जसमीन देखिए जैसा कि उमेश जी बता रहे थे कि ये प्रैक्टिकल भी नहीं है और ऐसे में अगर आज जो फैसला है वो अरविंद केजरीवाल के फेवर में अगर नहीं आता है और जाना पड़ता है अरविंद केजरीवाल को रिमांड में सलाखों के पीछे, तो फिर आप लोग तो वैसे भी वो नैतिकता के पेडिस्टल पर खड़े होकर राजनीति कर रहे थे ना, आप लोग तो उन लोगों में से थे जो कहते थे बस आरोप लगे फौरन इस्तीफा दे दो, तो फिर मतलब आज फैसला अगर नहीं आएगा पक्ष में इस्तीफा होगा मुख्यमंत्री का? जसमीन रोमाना जी, नैतिकता की बात एक सभ्य समाज में होती है, उस समाज जिसमें तानाशाही हो रही है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, देश भर के सारे भ्रष्टाचारियों को अपने में शामिल करके अपने आप को पाक घोषणा करने वाली बात हो रही है, तो उस चीज में मेरे ख्याल से ये सारी चीजें नहीं आती है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता द्वारा चुने हुए बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, जब तक कन्विक्शन नहीं मिलता हो उनका हक है कि वो अपना सर समय इतना ही है मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के इस शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर अब ये समझ जाइए आप कि राजनीति के हमाम में यहाँ पर हर दल एक जैसी स्थिति में है, नैतिकता को किनारे रख दीजिए और हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपनी सहूलियत की सियासत के हिसाब से ही फैसले यहाँ लेता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।